सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा तो उसमें पता होगा हमने कुछ भी कंटेंट नहीं दिया था ज़्यादा। तो अभी गाइज प्लान कुछ ऐसा है, देखो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ पोहा। तो गाइज पहली बार मैं पोहा बनाऊंगा आज, तो फर्स्ट टाइम कुकिंग पोहा। तो देख लो भाई, आज ट्यूटोरियल भी दूंगा आपको, संग संग सीखूंगा भी और बताऊंगा भी कैसे बनता है। चलो भाई मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। और गाइज आज मैं पोहा इसलिए बना क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है और अभी थोड़ा घर का काम ऐसे चल रहा है, तो मैंने कहा चलो भाई मैं नहीं कर देता हूँ पोहा बनाने में, तो क्या ही है, सीखते हैं गाइज। यूट्यूब पे देखना पड़ेगा मुझे और खुद बनाना है ना। तो गाइज यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने पोहे को यहाँ पे डाल लिया, इसमें गाइज पानी भरा जाएगा, अभी थोड़ा गर्म होगा, उसके बाद यहाँ पे मसाला बनेगा, फिर उसमें छनेगा, उसके बाद गाइज हो जाता है भाई, इतने मुझे पता है। तो चलो गाइज ये करते हैं। तो गाइस देखो अभी मैं यहाँ पे मसाला गरम कर रहा हूँ, और वो जो था ना पोहा उसको मैंने सुखाने के लिए रख दिया, सूख रहा होगा। तो यहाँ पे मस्त पोहा, देखो मसाला गाइस कैसा लग रहा है ऑसम। तो गाइस देखो अभी नट्टू बंकू यहाँ पे वो काट रहे हैं जो सब्जी की जरूरत होती है ना, तो सब्जी काट रहे हैं। और अभी गाइस बंकू ने मुझे बताया क्या करना है, मूंगफली भूननी है। हाँ गाइस मूंगफली मुझे याद ही नहीं रही, तो चलो गाइस मूंगफली भूनते हैं। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, ये तेल है इसी में डाल देता हूँ डायरेक्ट। तो गाइस अभी देखो मैंने मूंगफली भून दी है, और इसमें मैंने पोहा बना दिया है, तो कुछ कलर ऐसा आया है, इस कलर पे मत जाना, मैं हल्दी डालना भूल गया था, और हल्दी अगर बाद में डालता तो उस पर गंदा टेस्ट आता हल्दी का, और कड़वा कड़वा कर देती है ना हल्दी, तो मैंने बाद में हल्दी ऐड नहीं की क्योंकि कलर से हमें क्या लेना देना, टेस्ट तो बढ़िया है गाइस, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैंने एक चम्मच टेस्ट किया था तो अच्छा टेस्ट है। तो चलो गाइस इसे खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, बस सीखूंगा गाइस मैं। मैंने क्या कहा था, संग संग मैं सीख रहा हूँ और संग संग सिखा रहा हूँ, तो मैंने ये सीखा गाइस, इसमें गलती हुई कि मैंने पोहे को ज़्यादा पानी में डाला, बाकी तो ठीक है। सब हल्दी भी डालनी चाहिए गाइस आपको, हल्दी भी याद रखना। चलो गाइस मैं भी खाता हूँ अपना पोहा, और देखते गाइस कैसे बनाए। मैं ज़्यादा सही है। तो गाइस बंकू खाने जा रहा है, हंसी क्यों आ रही है, हंसी क्यों आ रही है? अच्छा बहुत अच्छा बना, खा के देखो टेस्ट बता। खाना बहुत गंजा, एक दो दो तीन और खा। खाने लायक तो है, मूंगफली कच्ची है। हम मूंगफली बाद में ऐड करें या तूने पहले बताई नहीं? मैं बताऊं 10 मिनट में कितने दूंगा? 4 तब भी बहुत है। लोगों की 5 स्टार रेटिंग होती है, मेरी 4 स्टार है, तुम्हारा क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब मैंने कभी खाई नहीं, इतनी खराब हो जाएगी ऐसे कुछ खाओ, इतना वैसे बुरा नहीं है, वैसे सही है। अच्छा है, दो तीन बार खाओ अच्छा लगेगा, शुरुआत में लगेगा थोड़ा, जी में सेट हो जाता है। मैं ब्रश करके आऊं तो और अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है? अच्छा है, वाई वाई ना सही है, मतलब पुखारे लायक है, पेट भरने के लिए अच्छा है। लगातार पढ़ाई और मेहनत के जज्बे से साल 2014 में योगेश पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस अधिकारी बन गए। इसके बाद योगेश ने उनकी दोनों बहनों को आईएएस की कोचिंग कराई, जिसके चलते लगातार साल 2015 लाइट चली गई, पोपट हो गया, पर्सनल डाटा चलाओगे। तो गाइस मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गया था, और हमने गाइस जो पोहा मैंने बनाया था ना वो खा भी लिया था, सिर्फ बंकू और मैंने ही खाया है घर में, और किसी ने नहीं खाया। और मैं ये कह रहा था कि अभी गाइस बंकू ने एक ड्राइंग बनाई थी मेरे लैपटॉप में, पेंट जो सॉफ्टवेयर आता है ना उसको यूज़ करके, तो ड्राइंग काफ़ी अच्छी, तो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ ड्राइंग क्या है, स्पेस की ड्राइंग है। देखो गाइस पंकू ने गाइस ये बनाई है बहुत मेहनत करके, एक एक डिटेलिंग आप देख सकते हो, थोड़े प्लैनेट बस उल्टे सीधे लगे हैं, बाकी सब बहुत अच्छे से है। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो सूरज है, इधर मर्क्यूरी और बाकी सब प्लैनेट लगे हुए हैं, और गाइस देखो अपनी अर्थ है, उसके बगल में मून भी है और एक सैटेलाइट भी है। तो गाइस देख लो पंकू ने बनाया ये काफी मेहनत करके, जूम करके दिखा, जूम करके अनार मैं जलाऊंगा, अनार ठीक है, मैंने आप बोला ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, जलाओगे? हां रिकॉर्ड है, मैं जलाऊंगा अनार, जलाओगे पक्का? गाइस पंकू कभी अनार जलाता नहीं, आज जलाएगा, ओह माय गॉड, ये हिम्मत वाला घर वाला चल चलेगा, मैं हाथ में कैमरा भी नहीं है, यही बात है, ये ए तन्नु ले कोई बात नहीं, अच्छे से पकड़ लिया, ये ले पकड़ लिया, ला ला
ये तो गलत ही है, तो वहाँ टक ही गया वो। अब क्या करेगा, गिर जाएगा उसमें वहाँ चढ़ना। पर्दा हिला देता वैसे, पहले नहीं दे सकते। चलो जिद्दी मांगो। ये क्या है, चल लो। पकड़ लिया कैमरा, कैसे थोड़ा उधर उधर हो जाता है। पकड़ लिया अरे यार, अब कैमरा तो आलू क्या करूँ मैं। लाओ ये लो, पकड़ ले पकड़ ले, ये पकड़ ले ले पकड़। मैंने भी पकड़ा, मैंने भी पकड़ा, मैंने पकड़ा। चलो नहीं, चलो गाइस हम मिलेंगे शाम को, और ज्यादा शाम को जब अपने लोग पटाखे फोड़ेंगे है ना, तभी मिलते हैं। अब तो गाइस क्या ही करें। सो गाइस अभी देखो, अभी हो चुकी है शाम, और गाइस आज हम पटाखे फिर से जलाने वाले हैं। ये खतरों के खिलाड़ी गाइस, हम लोग जलाएंगे चुटपुट और सेवन शॉट। आज के छत पे नहीं जलाएंगे, आज भारी जलाएंगे यहाँ पे। तो हाँ गाइस, हाँ ये भी करेंगे। और भाई बंकू ने कहा था बंकू अनार जलाएगा, तो अनार नहीं है तो ये जलाऊंगा। चक्री जलाना, ठीक है चक्री जलाएंगे। तो गाइस यहाँ पे बंकू रेडी है, फुल रेडी जलाएगा, फिर गाइस वो वाला पटाखा सेवन शॉट। भाई भाग जाऊंगा भैया। हाँ ठीक, इधर ही आ जाना, उधर कहाँ जाओगे। ठीक है जल्दी जलाओ, जला दे जला दे। गाइस बंकू वाला जलाने जा रहा है, जल गई देख लेना। खतरनाक। ओ भाई क्या होगा, डरता क्यों है रे। चकरी अभी जलाते हैं, ये छोटा पैकेट, ये बहुत तेज आवाज, ये तो नॉर्मल है। नहीं बहुत तेज आवाज आती है, तो घर में जला लेंगे। घर में नहीं, बाहर जला के दिखाता हूँ। जला ले, खुश कर ले अपने आप को जा। लेकिन मुझे डर लगता है जलाने, ये भी जलाने में डर लगता है। तो गाइस बंको भी चक्री जलाने जा रहा है, पर अभी पीछे रिक्शा आएगा तो उसका वेट कर रहे हो, चला जाए फिर जलाएंगे। भाई जान ले लो मेरी, डर लगता है इसे, बहुत डर लगता है। रिक्शा आ जाएगा, चलो रिक्शा जाते हुए हम फिर जला देना। गाइस यहाँ पे अपनी चक्री हो गई, और उधर फुलझड़ी चला। ओ चली चल गई चल गई, वो घूमे घूमी नहीं यार वो का दी। मत कर मत कर, दूर रह दूर रह, तो दूर रह। चलो मजा आया, मजा आया, मजा तो आया। तो गाइस अभी मैं जलाने जा रहा हूँ ये वाला पटाखा, पास से दिखा दो, मैंने केक बनाया पूरा। केक बना दिया मैंने, चलो चार जलेंगे एक बार इधर। चलो भाई चलो, 3 2 और नहीं और नहीं, खत्म। सही ना, नहीं यार मजा थोड़ी आया, खत्म ना। तो भाई मैंने आपको आज दिखा दिए गाइस, ये अपने पास इतने पटाखे थे, तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। रोज मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, जिससे कि आपका भी इंटरेस्ट लूज ना हो एक बार में। बाकी आप लोग बताना, सब सारे पटाखे एक साथ करके जला दे, एकदम झुंड में रख के एकदम चला देंगे सारे। मैंने कहा कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट सोचता हूँ, तो वो करेंगे अगले कल हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे है ना। कल गाइस ट्राई करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट करके, है कुछ चीज़ें मेरे पास, एक्सपेरिमेंट करेंगे उन पे, मजा आएगा। सो एक्साइटेड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट।
बट गाइस चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आज के ब्लॉग में आपने देखा पटाखे चलाए हमने, और मैंने गाइस आज खुद का पुआ भी बनाया था, जो कि इतना अच्छा तो नहीं बना बट मैंने बनाया था, तो टेस्ट ठीक ठाक था, कलर उस पर इतना अच्छा नहीं आया, और घर में भी किसी ने खाया बंकोर मेरे अलावा। बाकी तो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।